अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, इसमें हम स्टडी कर रहे हैं जो कि सेपरेशन टेक्निक्स भी हैं एंड प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स भी। हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में हमने जो सॉल्वेंट को यूज़ किया था उसी का आगे हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से ही टोटली रिलेट करता है। अब डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का दूसरा नाम क्या है? इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ पार्टीशन लॉ। ठीक है, पार्टीशन लॉ। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ नर्नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब इसे नर्नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्यों कहा जाता है? क्योंकि फर्स्टली जो ये स्टडी किया था, फर्स्टली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सल्यूट बिटवीन सॉल्वेंट, सबसे पहले सल्यूट की सॉल्वेंट्स के दरमियान जो डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी किया था वो किसने किया था? नर्नस ने किया था। इसी बेस पे इसे क्या नाम दिया जाता है? नर्नस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का नाम दिया जाता है। इसे पार्टीशन भी कहते हैं। अब जैसे कि इसकी टर्म मेंशन करिए, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तकसीम करना। अगर हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं तो स्टेटमेंट क्या एक्सप्लेन करती है? दिस लॉ स्टेट्स, ये लॉ बयान करता है अ सल्यूट डिस्ट्रीब्यूट, एक सल्यूट जो होता है वो अपने आप को तकसीम करता है बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स, दो इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल का मतलब क्या होता है? इमिसिबल इज आल्सो कॉल्ड एज अ इनसॉल्युबल, कि दो सॉल्वेंट होंगे, दो लिक्विड होंगे, दोनों आपस में इनसॉल्युबल होंगे और सल्यूट अपने आप को उन दोनों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन अ कॉन्स्टेंट रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सल्यूट एडिड। इट्स मीन के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो सल्यूट की अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है? ये सल्यूट की नेचर पे डिपेंड करता है। अब जस्ट लाइक इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे मेंशन करूँ कि हमारे पास क्या होगा। सपोज करें कि आपके पास एक सॉल्वेंट नंबर 1 है और दूसरा आपके पास क्या है? सॉल्वेंट नंबर 2 है, और इसके सेंटर में क्या है? सल्यूट है। अब सल्यूट ने क्या करना है? सल्यूट ने खुद को डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट। ये जो दोनों सॉल्वेंट हैं ये आपस में क्या है? दीज बोथ आर इनसॉल्युबल इन टू ईच अदर। जस्ट सपोज पहला सॉल्वेंट हमारे पास वाटर है और दूसरा सॉल्वेंट हमारे पास CCl4 है या कोई भी हमारे पास ऑर्गेनिक लेयर है। यहाँ पे हम मैंशन कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और वाटर है, तो वाटर को हम क्या नाम दे देते हैं? दिस सन इज आल्सो कॉल्ड एज अ एक्वियस सॉल्वेंट। तो एक सल्यूट ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपने आप को तकसीम करना है इन दो सॉल्वेंट्स के दरमियान, और दो सॉल्वेंट ऐसे होने चाहिए जो आपस में कंप्लीटली क्या होंगे? इनसॉल्युबल इनटू ईच अदर। और सल्यूट की कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करेगी, मींस चाहे सल्यूट ज़्यादा ले चाहे सल्यूट कम ले, इसने काम एक ही करना है कि इसने इन दोनों सॉल्वेंट्स के दरमियान खुद को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। और इधर यहाँ पर मैं मैंशन करती जाऊँ कि जस्ट सपोज जो सॉल्वेंट नंबर 1 है जिसके साथ वो सोल्यूशन बनाता है, एक सॉल्वेंट में सल्यूट क्या होगा? लेस सॉल्युबल होगा, और दूसरे सॉल्वेंट में सल्यूट क्या होगा? मोर सॉल्युबल होगा, मोर सॉल्युबल। यहाँ पे मेंशन कर दें कि एक सॉल्वेंट में सल्यूट क्या है? मोर सॉल्युबल है, और एक सॉल्वेंट में सल्यूट क्या होगा? लेस सॉल्युबल होगा। इसी बेस पे हम सल्यूट को क्या करेंगे? इसकी सॉल्युबिलिटी बेस पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ एग्जाम्पल। अब हमारे पास एग्जाम्पल कौन सी है? यहाँ पे मैंशन करते हैं कि हमने एक्सट्रैक्शन करनी है, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयोडीन, कि हमारे पास सल्यूट क्या चीज़ है? आयोडीन है, फ्रॉम एक्वियस सल्यूशन। एक्वियस सल्यूशन मीन के आयोडीन जो है वो किस में डिजॉल्व है? आयोडीन वाटर में डिजॉल्व है। हमने वाटर डिजॉल्विंग पावर की बेस पे आयोडीन को वाटर में से सेपरेट करने हैं। अब जस्ट सपोज यहाँ पे हमने कौन सा अपरेटस मेंशन किया? ये अपरेटस क्या कहलाता है? दिस वन इज कॉल्ड एज अ, जो अपरेटस हम यूज करते हैं सेपरेशन के लिए उसे हम क्या नाम देते हैं? दिस वन इज कॉल्ड एज अ सेपरेटिंग फनल। ये हमने जब लास्ट लेक्चर में सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को स्टडी किया था तब भी मैंशन किया था। अब ये है आपके पास सेपरेटिंग फनल। अब तरीकाकार क्या है? जस्ट सपोज मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ हमारे पास सॉल्वेंट नंबर 1, जो हमारे पास फर्स्ट सॉल्वेंट है वो क्या चीज़ है? सॉल्वेंट 1 है हमारे पास वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम आयोडाइड। के आई किसको मेंशन करता है? पोटाशियम आयोडाइड। और एक चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दूँ, जब भी पोटाशियम आयोडाइड अपनी एक्वियस फॉर्म में होगा, वाटर के साथ मिलेगा, तो ये हमेशा आयनाइज हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? के पॉजिटिव प्लस आई नेगेटिव। इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं कि ये है हमारे पास पोटाशियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और वाटर में जब पोटाशियम आयोडाइड होगा तो ये किसमें डिजॉल्व हो जाएगा?
के पॉजिटिव प्लस आई नेगेटिव, मतलब पोटाशियम आयन अलग हो जाएगा और आई नेगेटिव आयन क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये मेंशन कर दिया, अब नेक्स्ट वन क्या है, इस पोटाशियम आयोडाइड में जब हम किसको शामिल करेंगे, ये हमारे पास क्या चीज है, ये है हमारे पास सॉल्वेंट। अब हमने इसमें क्या चीज ऐड करनी है, इसमें हमने ऐड करने सल्यूट, ये हमारे पास आयोडीन किसके तौर पे एक्ट कर रहा है, इट एक्ट एज अ सल्यूट। जब सल्यूट इसमें ऐड होगा, अब ये है हमारे पास सल्यूट, क्या है आयोडीन। जब सल्यूट को इस सल्यूशन में डाला जाएगा तो आयोडीन के साथ आयोडाइड आयन रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट होगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू ट्राई आयोडाइड आयन। इसको हम क्या नाम देंगे, दिस वन इज कॉल्ड एज अ ट्राई आयोडाइड आयन। अब ये रिएक्शन मैं मेंशन करती हूँ, ये किसका है, असल में ये हमारे पास पहला सॉल्वेंट है जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, दिस वन इज अ एक्वियस सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये एक्वियस सॉल्वेंट है। इस सॉल्वेंट में जब हमने क्या ऐड किया है, सल्यूट ऐड किया है, तो पोटाशियम आयन वैसे का वैसे ही रहेगा। इस एक्वियस मतलब एक्वियस सॉल्वेंट में से जो सल्यूट है वो सिर्फ आयोडाइड आयन के साथ रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट होगा, ट्राई आयोडाइड आयन में। और ये जो ट्राई आयोडाइड आयन है, इसका कलर हमारे पास क्या होगा, इट इज डार्क ब्राउन इन कलर, मतलब इसकी जो लेयर आएगी उसका कलर हमारे पास क्या होगा, डार्क ब्राउन। अब अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, जस्ट सपोज समझ लें कि ये वाले जो आपके पास डॉट्स मेंशन कर रहे हैं, ये किसको मेंशन कर रहे हैं, आयोडीन को मेंशन कर रहे हैं, बल्कि हम मेंशन करेंगे दीज आर ट्राई आयोडाइड आई थ्री नेगेटिव आयन्स हैं। और आई थ्री नेगेटिव आयन कैसे बने हैं, इस सॉल्वेंट, इसको हम मेंशन करेंगे दिस इज अ लेयर ऑफ द एक्वियस सॉल्वेंट। एक्वियस सॉल्वेंट प्लस इसमें क्या है, हमने ऐड किया आयोडीन, और एक्वियस सॉल्वेंट किसकी प्रेजेंस में है, पोटाशियम आयोडाइड। एक्वियस सॉल्वेंट पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करता है, के पॉजिटिव आई नेगेटिव। और जब इसमें आयोडीन ऐड करते हैं तो एक्वियस सॉल्वेंट का आयोडाइड आयन इसके साथ रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ट्राई आयोडाइड। और ये जो हमारे पास पूरी की पूरी लेयर होगी, इसका हमारे पास कलर क्या होगा, इट इज डार्क ब्राउन इन कलर। ये है हमारे पास फर्स्ट लेयर। अब हमने सेपरेट किसको करना है, हम सेपरेट करना चाह रहे हैं आयोडीन को, क्यों, क्योंकि आयोडीन जो है वो वाटर में लेस सॉल्युबल है। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं, वाटर में जो आयोडीन होता है, आयोडीन इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। क्यों लेस सॉल्युबल होती है वाटर में, ये भी यहाँ पे मेंशन कर दी जाए, क्योंकि जो आयोडीन होती है इट इज अ नॉन पोलर, और वाटर हमारे पास क्या होता है, पोलर। और अगर आपने लाइक डिजोल्व लाइक का प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि पोलर हमेशा पोलर में डिजोल्व होता है, नॉन पोलर हमेशा नॉन पोलर में डिजोल्व होता है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे मेंशन कर रहे थे हम सेपरेट करना चाह रहे हैं आयोडीन को वाटर में से। अब क्या किया जाएगा, शुरू में ही हमने मेंशन कर दिया कि हमने आयोडीन को एक्सट्रैक्ट करना है, तो आयोडीन क्या है, नॉन पोलर है, तो इसका मतलब हमें आयोडीन को अलहदा करने के लिए इसमें कोई ऐसा सॉल्वेंट यूज करना है जो कि क्या होगा, नॉन पोलर। तो अब हम कौन सा सॉल्वेंट इसमें ऐड करेंगे, इसमें जो सेकंड सॉल्वेंट ऐड किया जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। और CCl4 हमारे पास कौन सा होगा, सेकंड सॉल्वेंट होगा। ये सपोज हमारे पास किसकी लेयर आ गई, सेकंड सॉल्वेंट की। अब हमने क्या काम करना है, पहला स्टेप था फर्स्ट सॉल्वेंट को ऐड करना, दूसरा स्टेप क्या था हमारे पास, हमने सेकंड सॉल्वेंट को ऐड किया। अब थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे मैं मेंशन करूँ तो थर्ड स्टेप होगा कि हमने सेपरेटिंग फनल को शेक करना है, शेक वाल मतलब इसको अच्छे से शेक करना है। जब शेक करेंगे तो हमारे पास, जस्ट सपोज यहाँ पे मेंशन करते हैं, ये हमने क्या कर दी थी, सेकेंड लेयर, और ये किसकी है, CCl4 की। तो अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ तो सेकेंड लेयर की कंडीशन में क्या होगा, जब अच्छे से हम शेक कर लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की पेरस आएगी कि जितने भी आयोडीन के पार्टिकल्स हैं, मैक्सिमम चंद एक पार्टिकल्स बैक लेयर में होंगे, मतलब जो डाउनवर्ड एक्वियस लेयर थी, जबकि बाकी जितने भी पार्टिकल्स हैं वो किसमें मूव कर चुके हैं, वो CCl4 की लेयर में। क्यों, यहाँ पे मैं मेंशन करती जाऊँ, शेक करने से आयोडीन एक्वियस लेयर से किसमें चला जाएगा, CCl4 हमारे पास कौन सा सॉल्वेंट होता है, इट इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। और पहले ही मेंशन कर दिए कि आयोडीन भी क्या है, हमारे पास नॉन पोलर होता है, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या करेगा, मूव करेगा। जब ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में मूव करेगा तो कुछ इस तरह की पेरस आएगी कि जो आयोडीन के मतलब पार्टिकल्स हैं वो क्या चल जाएंगे, एक्वियस लेयर में कम हो जाएंगे, और इधर इसकी क्वांटिटी क्या होती जाएगी, ज्यादा। मीन्स रिवर्स रिएक्शन होगा। रिवर्स रिएक्शन कैसे, यहाँ पे मैं अगेन लिख दूं, I2+I- विल गिव अस I3-। क्या था यहाँ पे कि आई थ्री नेगेटिव किस में आ रहा था, आई थ्री नेगेटिव आ रहा था हमारे पास एक्वियस लेयर में,
कि जब वो वाटर में डिजोल्व था, और जब एक्वियस लेयर को हमने शेक किया तो ट्राई आयोडाइड बैकवर्ड कन्वर्ट होता गया आई नेगेटिव में, और किसमें कन्वर्ट होता गया आई टू, ये हमारी ये किसमें डिजोल्व होती है, आयोडीन डिजोल्व होता है CCl4 में। अब आयोडीन का असल कलर क्या होता है, इट इज पर्पल इन कलर। अब हमें कैसे पता चलता है, ये अपेरेंटली यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हमें कैसे पता चलता है कि आयोडीन एक्वियस लेयर से CCl4 की लेयर में मूव कर चुका है। मैंने पहले भी बताया था कि ट्राई आयोडाइड आयन की जो लेयर बनती है वो होती है डार्क ब्राउन इन कलर। जब हम कंटिन्यूसली शेक करते हैं, और आयोडीन का कलर क्या होता है, पर्पल, जब हम कंटिन्यूसली शेक करते हैं तो ये डार्क ब्राउन से क्या होती जाती है, ये लेयर जो होती है वो कन्वर्ट होती जाती है लाइट ब्राउन, मतलब पहले डार्क ब्राउन कलर होता है फिर हल्का ब्राउन सा जो कलर होता जाता है। और ये जो CCl4 थी पहले क्या होती है, यहाँ पे जब हम मेंशन करते हैं पहले ये क्या होती है, कलरलेस होती है, CCl4 का कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होती है। लेकिन जब कंटिन्यूसली शेक करते हैं तो आयोडीन पार्टिकल्स के इस तरफ मूव करने की वजह से इसका कलर कौन सा होता जाता है, पर्पल कलर, डार्क पर्पल में कन्वर्ट होता जाता है। जितना पर्पल डार्क होता जाता है उतना हमें पता चलता जाता है कि जो आयोडीन है वो एक्वियस लेयर से मूव कर चुका है किसमें, CCl4 की लेयर में। और इन कलर डिफरेंस की बेस पे हम इसको क्या करते हैं, सेपरेट, जैसे हमने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में पढ़ा था कि फिर हम क्या करेंगे, इसके नीचे एक बीकर रखेंगे, पहले फर्स्ट लेयर को, मतलब अगर जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे ग्रीन से मेंशन किया है, ग्रीन मार्कर से, तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, लाइट ब्राउन जो हमारे पास क्या थी, एक्वियस लेयर को सेपरेट कर लेंगे। एक्वियस लेयर को सेपरेट करने के बाद इस बीकर को साइड पे हटा के फिर दोबारा हम क्या करेंगे, जो हमारे पास CCl4 की लेयर है उसको सेपरेट करेंगे। इस लेयर को सेपरेट करने के बाद जो हमारे पास जस्ट लाइक जो वोलाटाइल सब्सटेंस है वो वेपोरेट हो जाता है, और पीछे हमारे पास क्या बच जाती है, प्योर आयोडीन। ये थी एक्सट्रैक्शन ऑफ आयोडीन फ्रॉम एक्वियस सोल्यूशन, कि हम एक्वियस सोल्यूशन से आयोडीन को कैसे सेपरेट करते हैं, वी सेपरेट इट बाय द यूज ऑफ द CCl4। CCl4 को पहला सॉल्वेंट हमारे पास क्या होता है, वाटर प्लस पोटाशियम आयोडाइड, सेकेंड सॉल्वेंट हमारे पास क्या होता है, CCl4। पोटाशियम वाटर में जब ऐड होता है तो हमारे पास कौन सा आयन बनता है, ट्राई आयोडाइड आयन। जैसे CCl4 ऐड करते हैं तो ट्राई आयोडाइड बैकवर्ड रिएक्शन करता है, आयोडीन में कन्वर्ट करता है। और हमें पता कैसे चलता है, लेयर्स के कलर डिफरेंस की बेस पे। अगर ट्राई आयोडाइड आयन की क्वांटिटी ज्यादा हो तो डार्क ब्राउन कलर होता है, जो यहाँ पे मेंशन किया था, डार्क ब्राउन कलर होता है, ठीक है। और अगर आयोडीन की क्वांटिटी CCl4 में ज्यादा हो तो यहाँ पे कौन सा कलर अपेयर होता जाता है, डार्क पर्पल इन कलर। अब लास्ट में हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, जैसे इधर भी बता दिया था आपको कि आयोडीन किसमें डिजोल्व होता है, CCl4 में, और ट्राई आयोडाइड किसमें डिजोल्व होता है, एक्वियस सॉल्वेंट में। अब हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट की बात करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट मीन के जो सोल्यूट था उसने अपने आप को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसको मेंशन किया जाता है के, कांस्टेंट को मेंशन करता है, डी मेंशन करता है डिस्ट्रीब्यूशन को। अब जैसे पहले ही मेंशन किया था कि आयोडीन किस में डिजोल्व होता है, कि आयोडीन की जो कंसंट्रेशन होती है वो डिजोल्व होता है CCl4 में। इसकी कंसंट्रेशन को हम डिवाइड करते हैं आयोडीन और जो मतलब ट्राई आयोडाइडाइन, ये किस में डिजोल्व होता है हमारे पास, इट इज डिजोल्व इन द एक्वियस लेयर। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट को मेंशन करता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कर दूँ, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट असल में मेंशन करता है कि जो हमारे पास सोल्यूट है वो ऑर्गेनिक लेयर में कितना डिजोल्व है और एक्वियस लेयर में, मतलब हम ऑर्गेनिक लेयर और एक्वियस लेयर की क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं, और ऑर्गेनिक लेयर में आयोडीन डिजोल्व और एक्वियस लेयर में क्या डिजोल्व होता है, I3 नेगेटिव। और लास्ट में मेंशन करते जाएं कि डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट जो है वो कभी भी नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, ये कभी भी सोल्यूट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, मतलब दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक नेचर ऑफ द ऑर्गेनिक सोल्यूट एंड लास्ट वन नेचर ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये आपकी एग्जाम्पल थी डिस्ट्रीब्यूशन ला की, और साथ में इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ द आयोडीन फ्रॉम एक्वियस सोल्यूशन बाय CCl4, कि आयोडीन को एक्वियस सोल्यूशन से किसके जरिए रिमूव किया जाता है, CCl4 के जरिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये हमने उसकी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर दिया। लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, तो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट एक्चुअल में क्या होती है, ये सोल्यूट की रेशियो मेंशन करता है बिटवीन द ऑर्गेनिक लेयर एंड द एक्वियस लेयर। और हमने लास्ट में एक्सप्लेन कर दिया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट होती है ये कभी भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती,
चाहे सल्यूट कम हो या ज्यादा हो, उसने डिस्ट्रीब्यूट दोनों के दरमियान इक्वल रेशियो में करना है, और ये डिपेंड करती है ऑन द नेचर ऑफ द सल्यूट एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। यहाँ पे ये हमारा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। अगर इसके इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ये कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।